माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम है अशोक गोयल और आप देख रहे हैं न्यू मोबाइल टेक्निकल सॉल्यूशन। तो दोस्तों, मेरे पास में एक मोबाइल आया है, ये रेडमी का नोट 5 प्रो है और इसके अंदर टच वर्क नहीं कर रहा, ये वाटर डैमेज सेट है। बारिश की वजह से बाहर रह गया था तो इसके वजह से इसके अंदर पानी चला गया है, तो इसका हम कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आप स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहें और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन है इसे दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हम इनके कैमरे को निकालेंगे। अगर हम हीट करेंगे, अगर कैमरे के ऊपर हीट हो गया तो दोस्तों कैमरा डैमेज हो जाएगा। और अब हमें जो प्लेटें दिखाई दे रही हैं इसको हम भी निकाल लेंगे, जो सील नहीं है वो उन प्लेटों को उखाड़ देंगे हम। यहाँ पे तो हमें कोई पानी नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी हम एक बार इसको उतार देंगे और कैमरों को भी ओपन कर देंगे। इस सील को भी हम उतार देंगे। इतना खास पानी भी नहीं गया था इसके अंदर, कस्टमर बता रहा था, लेकिन फिर भी इसकी टच काम करना छोड़ गई। तो दोस्तों क्या करना है आपको, जो इसका मेन सेक्शन होता है वो आपको बता देता हूँ मैं, जो टच का होता है, टच डिस्प्ले का, जो ये आपको ये सेक्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस सेक्शन पे काम करना है मेन। तो ये आप देख पा रहे हो डिस्प्ले जैक के पास में जो सेक्शन है, इस पे ही काम करना है हमें। सबसे पहले तो हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, अच्छे से क्लीन कर लेना दोस्तों। क्लीन करके हम इसके अंदर थोड़ा पेस्ट डाल के इसको हम हीट करेंगे। मैं एक बार और थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ इसको। और दोस्तों जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। हीट करने के लिए क्या करना है दोस्तों, हमें जो जैक है ये हमारे प्लास्टिक के होते हैं, हम इनको थोड़ा ढक लेते हैं। आपके पास में अगर जो सिल्वर टैप होती है वो है तो उससे भी आप ढक सकते हैं, और वैसे आपको कोई प्लेटे प्लाटे से ढक लेना है दोस्तों, ताकि हीट से डैमेज ना हो जैक। मैं कुछ लगा लेता हूँ इसके ऊपर, जैक के ऊपर, और अब मैं थोड़ी सी पेस्ट लगा दूंगा। और अब दोस्तों हम इसको नॉर्मल हीट करना, ज़्यादा हीट नहीं करना है। एयर और हीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करके हीट करना है हमें। मैंने हीट कर लिया है, अब बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इन प्लेटों को हटा देंगे हम। दोस्तों गर्म बोर्ड पे कभी भी काम नहीं करना है, कोई भी काम हो। अब हम क्या करेंगे इसके, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ एक बार। कैमरों को लगा लेंगे हम दोस्तों। इस ट्रिक के द्वारा मैंने पहले भी वाटर डैमेज सेट किया था नोट 5 प्रो। जो मोस्टली दिक्कत आती है दोस्तों वो यहीं से आती है। इसके बाद में ना हो तो हमें दोस्तों इसका फोल्डर चेंज करके देखना पड़ेगा, उसके बाद में हमें कुछ आगे करना है थर्ड स्टेप में। इसको हम लगा लेते हैं मोबाइल के अंदर बोर्ड को। हम
मैं फिट कर लेता हूँ एक बार। अब हम ऑन करेंगे मोबाइल को। इसका पत्ता टेस्ट नहीं हो रहा, इसका पत्ता थोड़ा अलग होता है। ये ऑन हो गया हमारा मोबाइल। अब हम देखेंगे इसकी टच वर्क कर रही है नहीं कर रही है। आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसकी टच प्रॉपर वर्क करने लग गई है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट मेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।